तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो अलीबाबा क्लाउड के अंदर हमें फ्री ट्रायल मिलता है पूरे एक साल के लिए, उसमें हम लोग वीपीएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वीपीएस इंस्टॉल करने से हमारा क्या फायदा होने वाला है, वीपीएस को आगे जाके आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, जैसे वेबसाइट को होस्ट करना, उसमें अपाचे सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, इसके अलावा आप उसमें जीयूआई इंटरफेस डाल के आरडीपी यूज़ कर सकते हो, 24 आवर की स्ट्रीम कर सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं जिसके लिए वीपीएस सर्वर को यूज़ किया जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप उसे कैसे रन कर सकते हो। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इन तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अलीबाबा क्लाउड का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है किस तरीके से सेटअप करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे फ्री में सर्वर को परचेज करना है, उसके बाद आप पूरे एक साल के लिए वीपीएस को कैसे यूज़ कर सकते हो। चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की तरफ। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अलीबाबा क्लाउड का फ्री ट्रायल, तो फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर इंडिविजुअल, लिमिटेड फ्री और ऑलवेज फ्री, इसके अलावा आपने इलास्टिक कंप्यूटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको डिफरेंट प्लान देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो प्लान है 3 मंथ का, इसमें आपको चीज़ें सेम मिलेंगी बट यहाँ पे इंटरनेट स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको लालच दिया जाएगा कि एक साल में मिलने वाली चीज़ आप 3 मंथ के लिए भी ले सकते हो, बट मैं यूज़ करने वाला हूँ 12 मंथ वाली, बिकॉज़ ये मेरे लिए वर्थ रहेगी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट होस्टिंग के लिए। तो ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा सर्वर हमें कौन सा लेना है, तो चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। तो आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो आप वहाँ का सर्वर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं इंडिया का ट्राई करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए इंडिया सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन सर्वर सिस्टम देखो अवेलेबल नहीं, नो मैच फाउंड आ रहा है। तो इसके अलावा आप कोई अल्टरनेटिव देख सकते हो आसपास की जो कंट्री हो, तो मैं फिलहाल आप सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंगापुर को, तो सिंगापुर में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, और सिंगापुर ए, तो हाँ हमें यहाँ पे मिल गया है देखो, तो यहाँ पे ए जोन में अवेलेबल है। तो उसके बाद आपने अलीबाबा क्लाउड लिनक्स पे जाना है और यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है उबंटू का लेटेस्ट वर्जन, तो लेटेस्ट अभी 20 चल रहा है। उसके अलावा जो सभी सेटिंग रहेंगी वो सेम ही रहेंगी, इसमें आपको 40 GB की स्टोरेज मिलेगी और पूरे एक साल के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसका प्राइस देखोगे आप $0 बिल्कुल आ रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगा था यहाँ पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे बैलेंस आपका 0 कटेगा। मेरा इसके अंदर कुछ बैलेंस था तो वो कटेगा नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 0 रुपये ही आपका पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट, तो चलिए परचेस पे क्लिक करते हैं और इस चीज़ को परचेस कर लेते हैं। परचेस करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन परचेज सक्सेसफुल और जो आपकी सर्विसेज हैं वो 1 से 5 मिनट में एक्टिवेट हो जाएंगी, तो कंफर्म ऑर्डर, पे ऑर्डर और कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं कॉन्सोल में और आपको दिखाता हूँ आगे कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। चलिए कॉन्सोल को लॉगिन करते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया और यहाँ पर अब आपको होम पेज सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, तो होम की आप लेआउट किस तरीके की रखना चाहते हो, तो मैं मेंटेनेंस पे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये थीम होती है एक तरीके की, तो आप कोई भी रख सकते हो जिस तरह की आपको पसंद हो। ओके करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटी स्कोर आपका 98 है, तो काफ़ी अच्छा है वेबसाइट होस्टिंग के लिए। तो चलिए इलास्टिक कंप्यूटिंग सर्विसेज पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको अपना इंस्टांस दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आईडी मिल जाएगी, कनेक्ट, रिस्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका पासवर्ड चेंज करना है, बिकॉज जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो मुझे भी नहीं पता असल में इसका पासवर्ड क्या होता है। तो इसके लिए आपको पहले पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, उससे पहले आपको इंस्टांस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, तो पहले हम लोग इसे स्टॉप कर लेते हैं। तो चलिए स्टॉप करते हैं और इसको फोर स्टॉप कर लेते हैं ताकि ये तुरंत रुक जाए, ज़्यादा टाइम ना लगाए। अगर आप नॉर्मल स्टॉप करोगे तो जितना टाइम पीसी बंद होने में लगता है उतना टाइम इसमें लगेगा। तो उससे पहले देखो यहाँ पे स्टॉपिंग आ रहा है, तो स्टॉपिंग जब आएगा ना तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना, तो आपका रीसेट पासवर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। अदरवाइज इस तरीका दिखाई देगा तो आप बोलोगे कि रीसेट नहीं हो रहा है, तो ये वाला इशू भी कई लोगों को आ रहा था। तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करने के बाद आपका इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे नहीं आया, तो क्या इशू हो सकता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर लिनक्स इंस्टांसिस क्रिएटेड यू मस्ट वेट 3 मिनट, तो मतलब कि आपको 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा जब आप कोई लिनक्स के रिलेटेड इंस्टांस को क्रिएट करते हो, तो ही आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो 3 मिनट का वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ओके 3 मिनट के वेट के बाद एक बार हम लोग फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है, तो उस पर क्लिक करते हैं। और इसका जो लॉगिन यूज़र आईडी होगी वो होगी रूट, तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। और इसका जो पासवर्ड होगा वो आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, बिकॉज ये आपके वीपीएस सर्वर को लॉगिन करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कुछ उल्टा सीधा रखोगे तो आपके आईपी एड्रेस से इसे कोई भी ओपन कर सकता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखना। और उसके बाद हम लोग पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। तो पासवर्ड को सेव करने के बाद हम लोग इंस्टांस को स्टार्ट करते हैं, तो ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अगेन स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होने के बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती है, जैसे कि आप पुटी से भी कर सकते हो, या फिर इसके पास भी इसका खुद का एक इंटरफेस है वहाँ से भी कर सकते हो, आप टर्मिनल से कर सकते हो, पावर शेल से कर सकते हो, मतलब बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कहीं से भी आईपी एड्रेस के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखो स्टार्ट हो चुका है, तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आपको वीएनसी कनेक्शन भी दिखाई देगा, वर्कबेंच भी दिखाई देगा, इसके अलावा आप रिमोट कॉल से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको जो ऑप्शन दिखाने वाला हूँ सिंपल वाला दिखाने वाला हूँ, तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और आपका ECS वर्कबेंच यहाँ पे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं कैसे इसे कनेक्ट करना है। तो हे भगवान, यहाँ पे तो पूरी लैंग्वेज ही बदल चुकी है, मतलब चाइनीज, तो इसको कैसे चेंज करना। आपने यहाँ पे जाओगे क्लिक करोगे इंग्लिश और ये हो चुका है चेंज। तो यहाँ पे रूट आपका यूज़र आईडी है और यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है अपना। आप चाहे तो आप इसे पब्लिक या प्राइवेट किसी पर भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं प्राइवेट पे ही कनेक्ट करने वाला हूँ, बिकॉज प्राइवेट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिक्योर है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना पब्लिक या प्राइवेट में कौन सा अच्छा रहेगा। ओके तो ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये आपका जो सिस्टम है लॉगिन हो जाएगा बहुत ही आसानी के बाद। उसके बाद आप इसमें GUI इंस्टॉल कर सकते हो, RDBs को चला सकते हो, 24 आवर की स्टीम भी चला सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है, WordPress को इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, मतलब VPS सर्वर्स को बहुत तरीके से काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे हो चुका है आपका रन, और यहाँ पे आप देखो 1.2.20.4 आपका जो वर्जन है आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आप मतलब कुछ भी इंस्टॉल करके आगे रन कर सकते हो। तो गाइस इस VPS सर्वर को आप लोग पुटी से भी रन कर सकते हो या पावर शेल से भी रन कर सकते हो, इसके अलावा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है तो आप उससे भी रन कर सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसमें हम लोग GUI इंटरफेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो भी आप लोग जाकर जरूर चेक कर लेना, उससे भी आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन या फिर कोई डिमांड है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।